हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित लेखपाल परीक्षा, जो कि आपकी हुई थी 31 जुलाई 2022 को। ये कंडक्ट कराई गई है परीक्षा 31 जुलाई 2022 को। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार की रह सकती है, बेसिकली ये कौन सी परीक्षा थी, ये थी मेन्स परीक्षा थी आपकी, और ये पैट के बेसिस पे थी। जो पैट एग्ज़ाम आपका यूपी ट्रिपल एससी का 2021 का हुआ था, उसके बेसिस पर ये 2022 में मेंस लेखपाल परीक्षा हुई है। इसके बाद डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसीजर रहेगा। इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो इस एग्ज़ाम की बेसिकली कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड रह सकती है इस बार की, आफ्टर एनालाइजिंग द क्वेश्चन पेपर, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले, जैसे आप सभी को पता होगा कि ये जो पेपर था, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर था। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस थे, और जो कि 100 मार्क्स के थे आपके, ठीक है। और इस 100 मार्क्स के पेपर के अंदर आपको 25 क्वेश्चन, दैट इज ऑफ 25 मार्क्स, 25 ऑफ 25 मार्क्स की बात करें तो ये आपको हिंदी के देखने को मिले हैं। 25 क्वेश्चंस आपको एप्टीट्यूड या रीजनिंग जिसे कहते हैं आप, उसके देखने को मिले हैं। थर्ड आपको देखने को मिला है 25 क्वेश्चंस आपके जीएस के, और साथ में 25 क्वेश्चंस आपके रूरल डेवलपमेंट के, ग्रामीण क्षेत्र विकास। बेसिकली उस सेक्शन के अंदर जो पूछा गया है मोटा मोटा, वो स्कीम्स से रिलेटेड, जो यूपी और ऑल इंडिया लेवल की जो ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड स्कीम्स हैं, उनके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये पेपर था आपका 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस, और यहाँ पर वैकेंसी थी लगभग आई थिंक 8085 8885 वैकेंसी इन टोटल थी, ठीक है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज का डिवीज़न आपको अलग देखने को मिलेगा। तो ये नंबर ऑफ सीट्स की बात है यहाँ पर, और यहाँ पर मेंस परीक्षा में लगभग 2 लाख कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर हुए हैं लगभग आई थिंक 12 सेंटर्स के अंदर, 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये परीक्षा आयोजित की गई है, वहाँ पर ये लोग अपीयर हुए हैं। फिर आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो मुख्य पॉइंट है, जो कि है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का। तो जनरल कैटेगरी की अगर जो हम बात करें, पेपर देखिए, पेपर लेवल जो आपका था इस बार का ये वाला, तो ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं था, बट मतलब ये से मैं मॉडरेट लेवल का पेपर कहूँगा, ठीक है, मॉडरेट लेवल। बट इस बार में कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल सकती है, मतलब थोड़ी सी हाई देखने को मिल सकती है मेरे अकॉर्डिंग, आफ्टर सॉल्विंग द पेपर और एनालाइजिंग और कुछ लोगों से बात करने के बाद में। तो देखिए, अगर जो हम बात करें यहाँ जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है इस बार आपको देखने को मिल सकती है अप्रॉक्सीमेटली लगभग 75-80 मार्क्स के आसपास, 75-80, मतलब 70-80 मार्क्स के बीच में आपको जनरल कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ का बात करें तो इसमें भी कोई खास ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ये भी आपको लगभग 75-80 के आसपास में ही आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, इन दोनों में कोई भी खास वेरिएशन नहीं मिलता है देखने को, हार्डली ही 1 या 2 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज मोर और लेस सेम कट ऑफ दोनों कैटेगरीज में देखने को मिलेगी। एससी कैटेगरीज की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एससी कैटेगरी के अंदर आपको जो कट ऑफ देखने को मिल सकती है इस बार की, वो अप्रॉक्सीमेटली 70 मार्क्स के आसपास, 70-75 मार्क्स के बीच में आपको ये देखने को मिल सकती है। एसटी कैटेगरी की जब हम बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स एरिया, ट्राइबल एरियाज की, तो ट्राइबल एरियाज से क्वेश्चन भी था पेपर के अंदर, तो इसमें यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी और कम हो सकती है, लगभग 65 मार्क्स के आसपास आपको, 65-70 मार्क्स के आसपास ये कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। इन मीन वाइल आप इन चीज़ों का मीन भी ले सकते हैं, मतलब इसका अगर जो हम मीन की बात करें, तो मीन में आप 77 मार्क्स के आसपास आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ये कट ऑफ आपको लगभग सिमिलरली 72-75 मार्क्स के आसपास में ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन जनरल अगर जो हम बात करें, तो ओवरऑल सिनेरियो को जब हम कंसिडर करते हैं, तो आपको कट ऑफ जो का जो रेंज है वो मोर और लेस 75-80 के बीच में सर्कुलेट होते हुए या आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।